तो आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। जितने चीनी उद्योग मिल, जितने चीनी उद्योग थे, एक एक करके इन तीन वर्षों में बंद हो गया। चाहे जूट मिल, हैंडलूम उद्योग, कपड़ा, ये सूता मिल और रेशम उद्योग, जितने उद्योग था एक एक करके इन तीन वर्षों में बंद कर दिया गया उद्योग धंधा, जिसके कारण आज बिहार से 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रमिक बिहार से बाहर रोजी रोटी कमाने के लिए और बोराना में आने के समय अपनी जिंदगी मौत से जूझना पड़ा। ये बहुत ही विकट स्थिति बिहार में है। तो हम ये कहना चाहते हैं, अभी जोरों से चर्चा चलती है 15 साल बनाओ 15 साल, ये 15 साल क्या है? 15 साल बनाओ 15 साल की लड़ाई एक धोखा है, एक षड्यंत्र है। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि 15 साल बुराई से बुराई का रिहर्सल हो रहा है बिहार में। वो कहता है तुम ज्यादा बुरा है, ये कहता है तुम ज्यादा भ्रष्ट, मतलब 15 साल का लड़ाई यही है कि बुराई से बुराई का लड़ाई की रिहर्सल हो रहा है और कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं होता। इसीलिए हम लोगों ने ये बनाया है फ्रंट कि आम जनता का जो बुनियादी समस्या है, आज आम जनता का जो बुनियादी सवाल है बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, शिक्षा में सुधार का, ये विकास का, इन सब से भटका दिया गया है जनता को। हम लोग क्योंकि आज भटकाना आसान हो गया है, समझाना कठिन है। हम लोग चले हैं संकल्प लेकर जनता को, इसको समझाने के लिए, संकल्प लेने के लिए आज जो फ्रंट बना है, आने वाला दिन में चुनाव में देखिएगा चौंकाने वाला परिणाम निकलने वाला है। आज इस में इतना ही कह के अब हम इस फ्रंट के नेता और मैं समझता हूँ इस फ्रंट का चेहरा उपेंद्र कुशवाहा जी को मैं ऐलान करता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा मेरे छोटे भाई भी हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं और एक साफ सुथरा लड़ाई और संघर्ष से कभी अपने सिद्धांतों को कोई समझौता करने का इनकार नहीं रहा है। इसीलिए क्योंकि संघर्ष वही करता है जिसके मन में सिद्धांत बल को जो नहीं छोड़ता है, उसको संघर्ष करना पड़ता है। कहीं भी जाएंगे तो संघर्ष करना पड़ेगा। चूंकि हम लोग वसूल को लेकर, आज वसूल हाशिए पर चला गया है, इसीलिए वसूल को लेकर एक फ्रंट बनाए हैं ताकि बिहार को, बिहार के आम जनता को बुनियादी समस्याओं से हम लोग निजात दिला सके। इसीलिए चट्टानी एकता के साथ यहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। फिर से दोबारा आपसे कहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में बिहार में जो आने वाला चुनाव है उसमें तो कामयाबी, जनता से भी हम अपील करते हैं, गाँव के गरीब से, गरीब लोगों से, कि आप सब लोग मिलकर इसको सहयोग कीजिए और नया विकल्प, नया संकल्प, क्योंकि ये जर्मनी का होटल बना दिया है बिहार में। बिहार में जाइएगा कहेगा डू यू लाइक, आइए जर्मनी में डू यू लाइक कॉफी और टी, मतलब तीसरा विकल्प नहीं बताता है। हम लोग विकल्प, ये तीसरा नहीं होगा। जनता यदि चाह ली और उनका समर्थन और आशीर्वाद दुआ मिल गया, ये पहला मोर्चा होगा, पहला होगा। दूसरा तीसरा क्यों होंगे? ये तो जनता पर निर्भर करता है, पब्लिक के मैंडेट पर डिपेंड करता है, जनमत क्या हमको देती है। इसीलिए कोई हमको तीसरा मोर्चा की बात नहीं है, नया विकल्प, नया संकल्प, बेहतर बिहार का के लिए हम लोग संकल्पित हैं। और जो आज सांप्रदायिक ताकत आक्रमक हुई है, उनका मुंह तोड़ जवाब यही फ्रंट देगी। वो लोग तो सियासी सेकुलर है, हम लोग जहनी तौर पर सेकुलर है। इसीलिए उसका जवाब, जो सांप्रदायिक ताकत है, जो फिरका परस्त ताकत है, उसको मुंह तोड़ जवाब हम लोग देंगे। नहीं तो आप देख रही है पिछले चुनाव में सभी जगह फिरका परस्त ताकतों का गठजोड़ जीत गया हम लोगों के विषय। इसीलिए हम इन शब्दों के साथ उपेंद्र भाई को फिर दोबारा हम बधाई और मुबारकबाद भी देना चाहते हैं कि आज इस फ्रंट के नेता के रूप में और चेहरा, बिहार के चेहरा के रूप में हम इनका नाम घोषित कर लें। आप लेंगे एक मिनट। ओवैसी साहब का परिचय देने के मोहताज ओवैसी साहब नहीं है, देश और दुनिया में। ओवैसी साहब जब मैं पार्लियामेंट में था 2004 में, तब आए थे, उनसे पहले भी 5 बार मैं लोकसभा में रहा हूँ। ओवैसी साहब का मैं स्वागत करता हूँ आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो गठबंधन बना है हमारा, कल भी हम UDA से बनाए हुए थे, अब इसका बृहत रूप, ये एक एक्सटेंशन हुआ, इस गठबंधन का एक्सटेंशन हुआ है
जिसमें हमारे भाजपा के भाई और सभी राजभर जी और उपेंद्र कुशवाहा जी सब लोग इसमें पहुंचे हैं, क्योंकि हमारा इनका विचारधारा मिलता जुलता है। ये भी संघर्ष करते हैं, हम भी संघर्ष करके आए हैं, इसीलिए क्योंकि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए भी इस्तीफा दे दिए थे 3 महीने में। इन्होंने बताया समाजवाद को इन लोगों ने गड्ढे में गिरा दिया, समाजवाद को जो इन लोगों ने अपहृत कर लिया है, गड्ढे में गिरा दिया है, उस समाजवादी व्यवस्था को कायम करने के लिए हम जो वंचित वर्ग है, समाज से जो सबसे कटा हुआ समाज है, महादलित दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो किसी बिरादरी के हैं, सबको मुख्य धारा में लाने का संकल्प है। अब हम ओबीसी साहब से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप जरूर अपनी बात कहें और थोड़ा सा डिटेल में कहें, ये हम आग्रह करेंगे भी। आप आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मीडिया के हमारे दोस्त आज आपने अपना वक्त निकालकर यहाँ पर आप आए। पूरी तफसील से आप देवेंद्र प्रसाद यादव साहब ने पूरी तफसील पूरी डिटेल आपको बता दी है, और हमारी पार्टी के लिए भी ये बड़ी खुशी की बात है कि हम इस 6 पार्टी अलायंस का हिस्सा हैं। और जैसा कि अभी इस बात का भी अनाउंसमेंट और ऐलान किया गया कि जनाब कुशवाहा साहब इस समीकरण के इस अलायंस के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट रहेंगे, और हम अपनी तरफ से अपने पार्टी के हमारे जो जिम्मेदार हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस अलायंस के जहां जहां कैंडिडेट्स खड़े रहेंगे हम उसके लिए मेहनत करेंगे। हम बिहार की जनता से भी एक दर्दमंदाना अपील करेंगे कि वो हमको अपने आशीर्वाद से, अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बत से, अपने वोटों से नवाज कर बिहार में एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स को प्रमोट करें, क्योंकि 15 साल नीतीश कुमार बीजेपी के और 15 साल आरजेडी कांग्रेस के, इससे बिहार के गरीब जनता का कोई फायदा नहीं हुआ। सोशल इकोनॉमिक एजुकेशन इंडिकेटर्स में बिहार बहुत पीछे हो चुका है, इसलिए ये बिहार के रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह का एक अलायंस यहाँ पर बना है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मैं जनाब कुशवाहा साहब का, ESP का, राजभर साहब का और तमाम दीगर पार्टीज का शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर जमा हुए, और हमारे कन्वीनर साहब देवेंद्र प्रसाद यादव साहब ने हम लोग पूरा मिलकर कोशिश करेंगे कामयाबी हासिल हो। और हमको यकीन है कि इस बार जो बिहार की जनता में एक घुटन महसूस हो रही है कि एक ऑल्टरनेट पोलिटिकल प्लेटफॉर्म आज हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनको यकीन है कि इससे बहुत बड़ा फायदा बिहार की जनता का ही होने जा रहा है। हम कहीं नहीं जा रहे। मैं फिर से